हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। रोम में बर्थडे सेलिब्रेट कर अभिषेक आराध्या संग इंडिया लौटी ऐश्वर्या, तस्वीरें हुई सोशल मीडिया पर वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने हाल ही में 1 नवंबर को रोम में अपनी फैमिली संग बर्थडे सेलिब्रेट किया है। अपने स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी बेटी आराध्या संग इंडिया लौट आए हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक को बीती रात उनकी लाडली बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान ऐश्वर्या को ब्लैक पैंट और ब्लैक टॉप पहने देखा गया। ऐश्वर्या ने अपने आउटफिट के साथ मल्टी कलर प्रिंटेड श्रग कैरी किया हुआ है। खुले बाल और रेड लिपस्टिक में ऐश्वर्या बेहद स्टनिंग लग रही थी। वहीं दूसरी ओर अभिषेक एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में नजर आए। ब्लू जीन्स और ब्लैक हुडी में अभिषेक काफी हैंडसम दिखाई दिए। वहीं ननी आराध्या ट्रैक सूट में बेहद क्यूट लग रही हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ने ही आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ है। वहीं बीते दिनों ऐश्वर्या अभिषेक और आराध्या की ऐश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तस्वीरें रोम से सामने आई थी। इन तस्वीरों में ऐश्वर्या अभिषेक और आराध्या काफी खुश नजर आ रहे थे। यही नहीं, ऐश्वर्या के बर्थडे पर अभिषेक ने उन्हें काफी खास अंदाज में बर्थडे विश किया था। एक स्पेशल मैसेज शेयर करते हुए अभिषेक ने ऐश को प्रिंसेस कहा था और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी थी। वही ऐश्वर्या के वर्क फ्रेंड की बात करें तो ऐश्वर्या अब जल्द ही मणिरत्नम के बड़े प्रोजेक्ट के साथ बॉलीवुड वापसी करने वाली है। हालांकि इस फिल्म का नाम डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में ऐश का डबल रोल होगा। यही नहीं, इस फिल्म को लेकर ऐश काफी एक्साइटेड है। वहीं दूसरी तरफ ऐश और अभिषेक गुलाब जामुन नाम की एक फिल्म में साथ काम करने वाले हैं और ये फिल्म इन दोनों के फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ऐश्वर्या का एयरपोर्ट लुक कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।